बात बात पर मरने मारने को उतारू, सारे के सारे इंसान एक ही पुरखे की संतान है। डीएनए टेस्ट की मदद से यह बताया जा सकता है कि दुनिया के किन्हीं दो इंसानों में खून की रिश्तेदारी कितनी नजदीकी या कितनी पुरानी है। ऐसे कई अध्ययनों के बाद वैज्ञानिकों ने पाया है कि आज की दुनिया के कोने कोने में बसे सभी मनुष्य, काले गोरे या सांवले, सबके सब साझे पुरखों की संतानें हैं। कई इंसानों में खून के सैंपल उठाकर डीएनए टेस्ट किए गए हैं। अभी तक एक भी मनुष्य नहीं मिला जो बाकी सब मनुष्यों का रिश्तेदार ना हो। भले ही यह रिश्तेदारी 5 पुष्प पुरानी हो या 5,000। वैज्ञानिकों ने एक महिला का अता पता भी ढूंढ निकाला जो हम सब मनुष्यों की सबसे पुरानी नानी थी, जिसका खून हम सभी की रगों में दौड़ रहा है, जिसे वैज्ञानिकों ने लूसी नाम दिया। आज से 2,00,000 साल पहले वह महिला पूर्वी अफ्रीका में रहती थी। आधुनिक मानवों के कंकाल की तरह ही लूसी की हड्डियों में भी ऐसे कई प्रमाण हैं जो स्पष्ट रूप से द्विपादवाद की ओर इशारा करते हैं। लूसी की मौत का कोई कारण निर्धारित नहीं है। हमारे पास जो कुछ सुराग हैं, उनमें से एक है लूसी की हड्डियों पर जो हम एकमात्र क्षति देखते हैं, वह उसकी बाईं जगन हड्डी के शीर्ष पर एक मांसाहारी दांत के छेद के निशान मिलते हैं। इसे ही मृत्यु के समय या उसके आसपास होने वाली चोट कहा जाता है। अगर यह उसकी मृत्यु के बाद हुआ, लेकिन उसकी हड्डी अभी भी ताजी है, जो यह उसकी मृत्यु से संबंधित नहीं हो सकती। जब उसकी मृत्यु हुई तो वह युवा थी, लेकिन पूरी तरह से परिपक्व व वयस्क थी। कहा जाए तो दुनिया भर में लूसी के अवशेषों की कई प्रतियां प्रदर्शित की गई है, लेकिन उसका असली कंकाल वर्तमान में इथियोपिया के राष्ट्रीय संग्रहालय में एक विशेष तिजोरी में रखा हुआ है। इसी के साथ कल तक मानव जाति के इतिहास की खोजबीन प्राचीन दस्तावेजों, कलाकृतियों, औजारों और हड्डियों आदि की मदद से हुआ करती थी। आज हमें एक टूल मिल गया है। मनुष्य शरीरों में पाए जाने वाले डीएनए के परीक्षण से मानव जाति के हजारों लाखों साल पुराने इतिहास में हम झांक पा रहे हैं। मानव जाति के आदिम पुरखे कहाँ रहते थे, कब और कैसे वे कहाँ से निकलकर बाकी दुनिया में फैल गए और वहाँ पर बस गए। यह रोमांचक कहानी अब कल्पना का विषय नहीं रही है। आज से 160,000 साल पहले मनुष्य जाति के आदिम पुरखे पूर्वी अफ्रीका में रहते थे। वे नदियों और झीलों के किनारे झाड़ीदार जंगलों में बसे हुए थे। सर्दी, गर्मी और आंधी तूफान को वे नंगे बदन झेलते थे। गिरे पड़े फलों को बटोर कर छोटे मोटे जानवरों और मछलियों का शिकार कर पेट भरते थे। लाठी डंडे और तेज धार वाले पत्थरों से वह औजार बनाते थे। हिंसक पशुओं से घिरे होने की वजह से जीवन असुरक्षित था। खासकर नन्हे बच्चों को बचाना बड़े जोखिम का काम था, लेकिन उनकी सामाजिकता ने उन्हें बहुत बल दिया। अनुमान है कि हमारे उन पुरखों की कुल जनसंख्या तब लगभग 1,00,000 थी। फिर आबादी बढ़ी तो वे नए नए प्रदेशों की खोज कर वहां बस्तियां बसाने लगे। बाकी अफ्रीका, एशिया और यूरोप की धरतियों पर हमारे उन पुरखों के बहुत सबूत मिलते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें।